तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत फातिमतुल ज़हरा के दुपट्टे का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नाज़रीन किराम, आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हज़रत फातिमतुल ज़हरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था उनके पास। सादगी में आप एक मिसाल थीं। आपकी माँ से मिलने वाले जेवरात आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो घर के सारे काम अपने हाथों से करती थीं। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी हुई खाल थी जिस पे दिन को ऊँट को चारा डालती थीं और रात को उसी को बिस्तर बना के सो जाती थीं। और जब आप घर के काम करके फारग हो जाया करती थीं और रात को अल्लाह की इबादत करती थीं, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आप इतना लंबा सजदा करती थीं कि पता ही नहीं चलता कि कब फजर हो गई। एक दफ़ा मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनू सलेम से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले में वाहिद शख्स हूँ जिसने अपने अबाओ अजदाद का दीन छोड़कर आपका दीन कबूल किया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी हालत क्या है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी हालत मेरी है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। अगर मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, मैं बहुत गरीब शख्स हूँ, अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दें। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 से ज़ायद सहाबा कराम मौजूद थे और ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए और उन सब से कहने लगे, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस ग़ुलाम को सवारी दे सके। ये सुनकर एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जो मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो मेरे इस ग़ुलाम को कपड़े दे सके। यह सुनकर हज़रत उस्मान बिन अफान खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, कपड़ा और सवारी तो ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत सख्त भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। यह सुनकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा खड़े हुए और कहने लगे, ऐ सहाबा कराम, आप में से ऐसा है कोई जो मेरे इस ग़ुलाम को खाना खिलाएगा? आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है, जो कि एक नहायत ही सस्ता सौदा था। यह सुनकर तमाम सहाबा कराम की आंखें बरसने लग गईं। 350 सहाबा कराम में से कोई भी सहाबी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर कहा, कोई है जो मेरे इस ग़ुलाम को रोटी खिलाए? लेकिन फिर भी कोई सहाबी खड़ा ना हुआ। फिर तीसरी बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सलमान फारसी खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, यहाँ 350 सहाबा कराम हैं जो आपके कहने पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये सारे लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये लोग आपके कहने पर रोटी ना खिला सकें? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन से फाका है और किसी के घर में 4 दिन से फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जिसे ये लाकर इस शख्स को दे सकें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान, तो क्या ये मेरा ग़ुलाम आज मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, इसे रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? तो हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे रोटी खिलाता हूँ। फिर हज़रत सलमान फारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसको उस दरवाज़े पर ले गए जहाँ से आज तक कोई भी भूखा वापस नहीं लौटा।
और जिस दरवाज़े पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ खड़े होते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फातिमातुल ज़हरा का घर था। हज़रत सलमान फारसी उस मेहमान को लेकर हज़रत फातिमातुल ज़हरा के घर के बाहर आए और दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, बेटी मैं हूँ। हज़रत फातिमातुल ज़हरा ने कहा, जी चाचा जान, कहिए कैसे आना हुआ? हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, बेटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर एक आदमी आया है जो कि बहुत भूखा है और मदीना में ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसके पास खाने को कुछ हो, इसलिए मैंने सोचा अगर यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में से किसी ने खाना नहीं खिलाया। हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, बेटी बस मैं यही सोचकर इसको आपके दरवाज़े पर लाया हूँ। बेटी फातिमा, आज इस मेहमान के सामने अपने चचा की ज़ुबान रख लेना। ये सुनकर हज़रत फातिमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, चचा जान ज़रा अपना कान करीब कीजिए। हज़रत सलमान फारसी ने अपने कान चौखट के नज़दीक किए और हज़रत फातिमा बीबी कहने लगी, चचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हैं इसको चुपके से वापस ले जाइए, आज 4 दिन हो गए हैं मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया, आज हमारे घर में भी कोई चीज़ खाने को नहीं है। यह सुनकर हज़रत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए और गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे और कहने लगे, बेटी फातिमा इसको मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरत से लेकर आया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर हज़रत फातिमातुल ज़हरा कहने लगी, चचा जान एक मेहरबानी कीजिए, इस मेहमान को अपने से ज़रा दूर कीजिए। हज़रत सलमान फारसी ने उस मेहमान को खुद से ज़रा दूर किया, फिर हज़रत फातिमातुल ज़हरा ने अपनी चादर उतारी और कहने लगी, चचा जान इस चादर को अपने दामन में छुपा लें, सामने समून यहूदी का घर है, इस चादर को उधर बेच कर कुछ खाने को ले आएँ। ये सुनकर हज़रत सलमान फारसी रोने लगे और चादर को लेकर देखने लगे, फिर बीबी फातिमा फरमाने लगी, चचा जान ये चादर आम चादर नहीं है, इसमें 70 पैवान ज़रूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक़्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पे रखी थी और फरमाया था, ऐ फातिमा आज ये पैवान लगी चादर ले लो और क़्यामत के दिन तमाम औरतों की सरदारी वाली चादर दे दूँगा, चचा जान जाओ और ये चादर ले जाओ, लेकिन इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना हो। उसके बाद हज़रत सलमान फारसी इस चादर को लेकर उस यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे और कहने लगे, ऐ समून आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ, इस सौदे को सस्ता मत समझना, आज तक तूने पैसों से अनाज दिया होगा लेकिन आज मैं इतनी बाबरकत चादर लेकर आया हूँ, आज मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के सर की चादर लेकर आया हूँ, इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे उसके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। समून यहूदी ने अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते यहूदी ने हज़रत सलमान से पूछा, ऐ सलमान इतना तो बता कि तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, फातिमा के घर में एक मेहमान आया है जो कि बहुत भूखा है और फातिमा के घर में खाने को कुछ भी नहीं, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके की हालत में वापस भेजने की बजाय अपने सर की चादर बेचकर खाना खिलाने को अच्छा समझा है, बस इसीलिए फातिमा ने अपने सर की चादर उतारकर बेच दी। ये बात सुनकर समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया और उसके हाथ कांपने लगे, उसने चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, सलमान ठहर जाओ मैं अभी वापस आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी अपने घर गया और अपनी एक किताब उठाकर लाया। यहूदी ने उस किताब के कुछ पन्ने पलटे और कहने लगा, ऐ सलमान तुम्हारा खुदा भी सच्चा है और तुम्हारा रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी सच्चे हैं। हज़रत सलमान फारसी ने कहा, ऐ समून तुम क्या कहना चाहते हो? फिर यहूदी ने कहा, ऐ सलमान देखो ये हमारी किताब है लेकिन इसमें बातें तुम्हारी नबी की बेटी की लिखी हुई हैं, इस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होगा उसकी बेटी इतनी सखी होगी
कि एक बार उनके दरवाजे पर एक गुलाम मेहमान को लेकर आएगा, उस वक़्त उसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा और फिर वो अपनी चादर उतार कर दे देगी ताकि वो इससे मेहमान का पेट भर सके। फिर यहूदी कहने लगा, ऐ सलमान, तुम जितना चाहे अनाज ले जाओ और ये चादर भी ले जाओ और फातिमातुल जहरा के सर पर डाल दो। फिर हज़रत सलमान फारसी अनाज लेकर हज़रत फातिमा बीबी के घर की तरफ चल पड़े और वो यहूदी भी हज़रत सलमान फारसी के पीछे पीछे चल पड़ा। हज़रत सलमान फारसी घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने पलट कर देखा, वो देखते हैं कि वह समून यहूदी भी उनके पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर हज़रत सलमान फारसी उस यहूदी से कहते हैं, ऐ समून, तुमने अपना काम कर दिया, अब पीछे क्यों आ रहे हो? उस यहूदी ने कहा, ऐ सलमान, तुम अनाज तो ले आए हो, मुझे क्यों वहाँ छोड़ आए हो? बस तुम ये आटा ले जाकर फातिमा का दामन में डाल दो और मुझे मदीने ले जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की सखावत। सलाम हो हज़रत फातिमातुल जहरा पर, सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।